नियोजन नीति रद्द हुआ ना, सीना फुला रहा था ना, इसे नियोजन नीति करके खुश हो गया ना, हसना भवा निकल गया ना। हड़बड़िए ब्याह करना पड़िए, सिंदूर भेज दिया आपने, हम लोगों ने सोचा कि बबुआ राज के बबुआ अच्छा करें, तो खाली ठगिए रहे। क्योंकि 3 साल इन्होंने बेमिसाल ठगा है लोगों को, बोल के राज्य के लोग गुमराह कर रहे हैं। चाहे 32 का मामला देखिए, नियोजन नीति रद्द हुआ ना। बधाई देंगे कि हेमंत है तो हिम्मत है, जो टैगलाइन है ना, उस टैगलाइन को चेंज करके इनको लिख देना चाहिए, हेमंत है तो दिक्कत है। क्योंकि 3 साल इन्होंने बेमिसाल ठगा है लोगों को, बेमिसाल ठगा है बाप। तो मुझे लगता है कि इतना बुरा कार्यकाल किसी भी मुख्यमंत्री का नहीं रहा होगा। आप देख लीजिए शुरू से अंत तक, ठीक है कोविड पूरा देश में था, 5 साल हर साल 5 लाख को रोजगार देने कहा था ना इन्होंने, उसके बाद रोजगार नहीं देना, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी ना इन्होंने, तो मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करें कि हमने झूठ कहा था। अगर मुख्यमंत्री के अंदर सुचिता है, राज्य के हित में चाहते हैं, राज्य का हित चाहते हैं, तो एक्सेप्ट करें कि हमने झूठ कहा था या परिस्थिति वो सब नहीं कर पाए थे। उन्होंने कल कहा कि मोदी जी के चलते पूरा देश में बेरोजगारी छाया हुआ है, वो तो घर घर से पकड़ के वीडियो CEO बनवाया, हमने घर 5 आदमी को जबरदस्ती पकड़ के भर्ती कर दिया। बताइए ऐसे करना चाहिए इंसान को? केवल झूठ बोल के राज्य के लोग गुमराह कर रहे हैं। चाहे 32 का मामला देखिए, नियोजन नीति रद्द हुआ ना, इसी तरह 32 का मामला भी रद्द होके रहेगा, क्योंकि ये खुद जानते हैं, इन्होंने कहा था कि सदन में कहा था कि 32 का मामला हम लाएंगे और रद्द हो जाएगा कोर्ट में। तो जब आप जान ही रहे कोर्ट में रद्द हो जाएगा, आप ही के विधि विभाग ने उस पर आपत्ति जताई, उसके बावजूद उन्होंने जबरदस्ती उन्होंने विधानसभा से पारित क्यों करवा दिया? इसका मतलब आप राज्य को ठग रहे हैं, केवल राज्य को ठग के अपनी ठग नीति अपनी राजनीति कर रहे हैं, और तो कुछ। आखिर आप 3 साल में मुख्यमंत्री उपलब्धि बताए ना, हाँ कुछ कुछ उपलब्धियाँ हैं, सच स्वीकारने की आदत है हम, कुछ कुछ उपलब्धियाँ जैसे आंगनबाड़ी सेविका वगैरह। अरे भैया ठीक है, आंगनबाड़ी सेविका को आपने किया, जो भी किया, कुछ कुछ उपलब्धियाँ हैं, मैं मानता हूँ, उसके लिए बधाई देता हूँ, लेकिन उपलब्धि के लिए आपको बधाई दूंगा तो आपका फेल्योर के लिए कौन दोषी होगा? फेल्योर के लिए तो आप दोषी हैं ना। तो आप देख लीजिए REO में कितना संविदा निकल, कितना टेंडर निकाल पा रहे हैं, इनका सरकार एकदम SOR था कि लोग सही समय पर नहीं बना पा रहे हैं, इनका सरकार एकदम बैठा हुआ है, मैंने प्रभारी चीफ इंजीनियर भेज दे रहे हैं, ये एक स्कूटी दो दो जगह ये पे है, इनके पास कार्य क्षमता है ही नहीं, कार्य करने का तरीका है ही ना। इनके अगल बगल के जो हैं, जो जैसे आपको याद होगा मोदी जी बोलते थे हर चीज़ में नेहरू जी को दोष देते थे, उसी तरह अभी हर चीज़ में इनको मोदी जी के एकदम आइडियोलॉजी पे चल रहे, हर चीज़ पे खाली झूठे सीना फुलाना है, यूपी बिहार वाले को दोषी देना है। अरे भैया आपको यूपी और बिहार वाले को दोषी देना है तो आपके बगल अगल बगल जितने यूपी बिहार वाले भोजपुरी भाषी वाले लोग, उनको हटा के दिखाइए ना, तब ना माने हेमंत में तो है तो हिम्मत है। मिल के ठग नीति चला रहे हैं, पब्लिक को बना रहे हैं, झारखंड का लोग भोले भाले हैं, बुर्बक नहीं है हेमंत जी। अगर आप में कुवत है ना तो कहे ना, अक्षरा सिंह को बुला लिए थे ना भीड़ जुटाने के लिए, इस तरह से कहीं सडनली जाके चल जाइए ना, बॉडीगार्ड के सिवा कोई आपके साथ खड़ा हो जाए, लोग अब धीरे धीरे नफरत कर रहे हैं आपसे, जो 32 के नाम पे आप लोगों को ठग रहे हैं ना, 32 के समर्थक भी अब इस बात को मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री केवल ठग रहे हैं और कुछ नहीं। नियोजन नीति रद्द हुआ ना, सीना फुला रहे थे ना, इसे नियोजन नीति करके खुश हो गया ना, हसा भवा निकल गया ना, उसी तरह 32 आप बताइए ना, विधि विभाग इनके अंडर में है, विधि विभाग ने उस पर आपत्ति जताई, उसके बावजूद ही लोग भेज दिए, इतना जबरदस्ती राजनीति ना कर रहे हैं आप। वो एक तरफ बोलते हैं कि 32 लागू नहीं हो पाएगा, हाईकोर्ट रद्द कर देगा, तो रद्द कर देगा तो आप में हिम्मत है तो दबाव में आपने क्यों लागू पास करवा दिया? पास करके जब हड़बड़िए ब्याह करना पड़िए, सिंदूर भेज दिया आपने राजभवन को, जबकि विधि विभाग ने उस पर आपत्ति जताई थी। तो हम लोग तो महामहिम से मिलेंगे, महामहिम महोदय से मिलकर प्रार्थना करेंगे कि आप इस पर, जब विधि विभाग ने आपत्ति जताई तो फिर किस क्यों उन्होंने जबरदस्ती भेज दिया? 2 साल देखिए स्पष्ट बात है हेमंत तो नहीं, क्योंकि 3 सालों में अभी तो 2 साल तो मजबूरी है, बहुमत है इनके पास, हेमंत तो नहीं, कोई दूसरा विकल्प आदमी देखेगा। और निश्चित तौर पे हम लोग तो हेमंत जी का राजनीतिक ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने छला है लोगों को, केवल छला है। आप दिए थे कितना लोग को रोजगार, बेरोजगार भत्ता दिए बताइए? रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता के लिए ऐसे ऐसे कागज हिला रहे थे ना, कितना लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे दिए, कितना रोजगार दे दिए? ये भी अब मोदी जी कहते थे भी कि पंचर साटना और मुर्गा पालना स्कॉर्पियो चलाना को रोजगार कहते हैं, तो आप अपने अपने घर के लोगों को वो रोजगार दीजिए क्या? पब्लिक को आप अपना घर का समझते तो अपने घर के लोगों को सलाह दीजिएगा कि पंचर साटो और मुर्गा पालो और स्कॉर्पियो भाड़ा पे चलाओ, दीजिए क्या रोजगार? उसी को रोजगार कहा जाता है क्या? बहुत आशा से मैं खुद बोलता हूँ, हेमंत दादा बोलता था, इनका आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, लेकिन मैंने चुनाव में इनके लिए भी काम किया, लेकिन इन्होंने अपना रूप दिखा दिया, जब सत्ता में आए तो इन्होंने दिखा दिया कि हम क्या हैं। हम लोगों ने सोचा कि बबुआ राज के बबुआ अच्छा करें, तो खाली ठगिए रहे हैं।
हम लोग तो आदर्श शिबू सोरेन के मानते थे, शिबू सोरेन से अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ना सीखे थे, और दुर्भाग्य है कि शिबू सोरेन से बाप से सीख के उनका बेटा से लड़ना पड़ रहा है, दुर्भाग्य ना। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।